रखता है, यानी कि हर एक कदम पे भगवान उसकी लाज रखता है, जो सर पे माँ की दुआओं का ताज रखता है। बोलिए अपने जन्म देने वाले मैया की, आइए बहुत प्यारा भजन माँ का है, आवाज बढ़ा दीजिए और शांत कर दीजिए। के दिल ना दुखाना, माँ को ना सताना, माँ का छू लेना कदम, कौन कौन अपनी माँ से प्रेम करता है, प्यार करता है सच्चा, वो जरा हाथ उठा के बताए क्या बात है। कितने लोग माँ के चाहने वाले हैं। मुझको रोता हुआ देखा तो तड़प जाती थी, पीठ सहलाते हुए मेरा दिल बहलाती थी, मेरे हर दर्द को अश्कों में छुपा लेती थी माँ। मैं जो रोता था तो लगा लेती थी माँ। ये वो माँ है जिसने जन्म दिया आपको, इसने कहना है कि दिल ना दुखाना, माँ को ना सताना, माँ को चुन लेना कदम, माँ का चुम लेना कदम। और शेर सुने, सबसे अजीम प्यारी माटी का चुनाव के नीचे तेरी जन्नत, और किसी यतीम को मारोगे तो बद्दुआ देगा, बद्दुआ देगा। मैं अपनी माँ की दुआ घर से लेकर निकलता हूँ, मुझे यकीन है कि दरिया भी रास्ता देगा। लेकिन कहना है कि नेकी कर दरिया में डाल देते हैं और लोग उन पर कीचड़ उछाल देते हैं। वे लोग अपने बच्चों से उम्मीद ना रखे जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। सुनिए बड़ा प्यारा है, कह रहा है सबसे अजीम प्यारी माँ की खिदमत, खिदमत का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, कौन कौन समझ रहा है क्या होता है? सेवा, सेवा, सेवा। खिदमत नहीं समझ रहे हैं आप लोग, लखनऊ शहर में रहते हैं,
उर्दू लफ्ज है, यहाँ बोला जाता है उर्दू और सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है। खिदमत का मतलब होता है सेवा करना माँ का, इसलिए कहना है सबसे अजीम प्यारी माँ की खिदमत है, माँ की खिदमत के नीचे तेरी जन्नत है। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा और जन्म दिया, उस माँ का कसूर क्या है? जिस माँ को आज के जमाने में इस कलयुग में अगर बच्चा बेटी जवान हो जाते हैं तो माँ को घर से निकाल देते हैं, उस माँ का कसूर क्या है? इसलिए कहना है जो अपने माँ से दिल से प्यार करता है वो इस लाइन को जरूर सुने। कहना है सुनिए, एक माँ के 3 बेटे और जब तीनों की शादी हो जाती है, तीनों के जब बहू आ जाती घर में तो अक्सर देखते हैं कि ये घरेलू रिश्ता होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है आपस में। जब बंटवारे की नौबत आती है तो सबसे छोटे बेटा जो है उसके हिस्से में क्या आता है, इस शेर को सुने और मीठी मीठी तालियां होना चाहिए। अगर ये शेर पसंद है तो आप लोगों को तालियां जोरदार होना चाहिए। इसलिए कहना है बड़े बेटे के घर में, बड़े बेटे के हक में घर में, सुनिएगा शेर को, बड़े बेटे के हक में घर में मछली को ठुका आई, बड़े बेटे के हक में घर में मछली को ठुका आई, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे हिस्से में मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे हिस्से में माँ आई। लेकिन माँ, माँ की सेवा जो करता उसकी किस्मत बन जाती है, उसी को मेवा मिलता है। माँ की सेवा जो करता उसकी किस्मत बन जाती है, और माँ जिस रोटी को छू लेती है वो रोटी प्रसाद बन जाती है। क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए। जो माँ की सेवा करता है इसलिए कहना है बड़े बेटे के हक में घर, मिलके बोलिए सभी लोग, बड़े बेटे के हक में घर तो मछली को टुका आई, बड़े बेटे के घर में हक तो मछली को टुका आई, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे हिस्से में सच्चे दरबार की। कौन कौन अपने माँ से सच्चे दिल से प्रेम करता है, सच्चे दिल से वाकई में जो प्यार करता है, कभी माँ के बातों को ठुकराता नहीं, इसलिए कह रहा है सबसे अजीम प्यारी माँ की खिदमत है, माँ की कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। कुछ को खिला कुछ वो
मुझको हंसा दीजिए वो रोने नहीं देती बच्चों के खाबिर रब से यू मांगे करता मेरे भगवान करम Thank you.